भी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, इससे कई बाहर के मजदूर गरीबी के चलते कई परिवारों को भोजन आदि की समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर नगर पंचायत एवं समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा उनके घर राशन पहुंचाया जा रहा है। वहीं बाहर के जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें राहत शिविर में रखकर उनके लिए भोजन पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील पाढ़ी ने कहा कि नगर में जो अति गरीब हैं ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर उन्हें चावल दाल एवं तेल मसाले आदि का पैकेट बनाकर उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए नगर पंचायत सहित क्षेत्र के समाज सेवी संस्थाएं वॉलेंटियर्स पार्षद गण एवं अन्य जन प्रतिनिधि लगे हुए हैं। चलते जितने भी अन्य प्रांतों से या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर भीतर में ही जितने भी हमारे मजदूर भानुप्रतापपुर क्षेत्र या फिर नगर के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए एक प्रशासन के द्वारा स्थायी कैंप बनाया गया है। उनको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा भानुप्रतापपुर नगर पंचायत के द्वारा एक राहत केंद्र खोला गया है, जिसमें भानुप्रतापपुर में जो कई होटल या दुकानों में काम करते हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो बाहर से आकर यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, किराए पर रहते हैं, ऐसे लोगों को हम इस राहत केंद्र के माध्यम से जो भी अत्यधिक ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन, हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हमारे जितने भी पार्षद साथी हैं, उनके माध्यम से राहत पहुँचाया। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज में। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।